हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू सेशन इलेवन ऑफ न बार्ड राइटिंग सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन इन दिस लेक्चर जो आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था एंड उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओके सो अस क्विकली मूव टू द क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए टू थाउजेंड प्लस एम सी क्यू कोर्स है बेटा इसको जरूर आप एक्सप्लोर करें इट्स ओनली थ्री हंड्रेड रुपीज़ का आपको ये कोर्स पड़ता है आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड एंड वैलिडिटी इसकी जब तक आप पेपर दे रहे हो तब तक इसकी वैलिडिटी है वैलिडिटी की कोई टेंशन मत लें है टू थाउजेंड के आगे क्वेश्चन कंटिन्यूसली एड होते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली इट इज़ मेरा टारगेट है कि मैं इसको कम से कम फोर थाउजेंड से फाइव थाउजेंड प्रोडक्टिव क्वेश्चन के बीच में लेकर के जाऊँ ठीक है और इसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन आपको गिवन रहती है और टेस्ट फॉर्म में होता है तो आप पहले क्विज़ अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद आपको सोल्यूशन देख सकते हैं तो आप इसके अंदर अपनी टेस्टिंग भी कर सकते हो कि कितनी किस तरह से आपकी प्रिपरेशन हो रही है कितना आप आंसर्स कर पा रहे हो क्या हाँ, पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है बहुत सारे एरियाज लेटेस्ट क्विकली कम टू द क्वेश्चन क्वेश्चन नाउ था हमारा इंडियन फिशरीज नील क्रांति टू अर्थ क्रांति इसके ऊपर मैंने आपको 600 सौ वर्ड का कमेंट लिखने को कहा था 15 मार्क्स के लिए ठीक है नील क्रांति टू अर्थक्रांति क्रांति इज वॉट ब्लू रेवोल्यूशन मैं क्वेश्चन दोनों तरीके से दे सकता था एग्जामिनर दोनों तरीके से दे सकता है वो ब्लू रेवोल्यूशन टू इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इस तरीके से भी मेंशन कर सकता है पेपर के अंदर या जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नील क्रांति से अर्थ क्रांति वहां से भी दे सकता है पी के अंदर बेसिकली ये आर्टिकल आया था ये इंडियन फिशरीज नील क्रांति टू तो क्रांति जो है ना ये पी का एक आर्टिकल था और एज इट इज मैंने आपको ये एक टॉपिक बना करके क्वेश्चन डाल दिया इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं एस के अंदर भी डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो बेसिकली ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज प्रोडक्शन की यहाँ पर बात हो रही है और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इकोनॉमी के लिए वो कैसे एक बूस्ट बन सकता है फिशरीज सेक्टर जो है वो कैसे इंडिया की इकोनॉमी के अंदर चेंजेस ला सकता है या कैसे वो इकोनॉमी के लिए यूजफुल हो सकता है एक तरीके से उस चीज़ को यहाँ पर क्वेश्चन में हाईलाइट किया गया है क्वेश्चन बेटा आंसर एज यूजल उसी तरीके से आप चलेंगे इंट्रोडक्शन लिखेंगे बॉडी लिखेंगे एंड देन यू विल बी कंक्लूडिंग द आंसर तो देख लेते हैं मेन पॉइंट्स इसके अंदर आप क्या डाल सकते हो इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट कर सकते हो कि देखो इंडिया जो है मैरी कंट्री है मेरी कंट्री का क्या मतलब होता है जो बेसिकली समंदर को टच होने वाली कंट्री होती है सिंपल देसी भाषा के अंदर ठीक है लैंड लॉक नहीं है हम ठीक है वी हैव अ लॉन्ग कोस्ट लाइन हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है और हमारे पास जो वाटर रिसोर्स है ना इंडिया की खास बात क्या है कि हमारे पास इनलैंड वाटर रिसोर्स भी हैं रिवर्स लेक्स इनलैंड वाटर बॉडीज़ इनलैंड वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं जो लैंड लॉकड वाटर बॉडीज़ होती हैं हमारे पास मेराइन वाटर बॉडीज़ भी हैं तो हमारा जो स्कोप है ना वो काफ़ी ज़्यादा है अगर हम कैप्चर फ़िशरीज़ या कल्चर फिशरीज़ की बात करें तो स्कोप बहुत ज़्यादा है ओके सो इंडियन फिशरीज सेक्टर यूनिक है डाइवर्स है क्योंकि हमारे यहाँ पर हिमालयास का प्रिस्टाइन वाटर भी है और हमारे यहाँ पर इंडियन ओशन भी है दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पर है ओके और फिशरीज़ बायोडाइवर्सिटी भी इस वजह से बढ़ सकती है क्योंकि आपके पास आप फ्रेश वाटर फिशरीज का कल्चरिंग भी कर सकते हो आप सॉल्ट वाटर फिश की भी कल्चरिंग कर सकते हो ठीक है तो ये जो फिजिकल और बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स है ना ये इंडिया की फिशरीज सेक्टर को बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं जो अल्टीमेटली मिलियंस ऑफ लोगों का लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है ओके अब अगर मैं इकॉनॉमी के अंदर रोल की बात करूं जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन या आर्थिक रेवोल्यूशन की जो बात हो रही है अर्थ क्रांति की जो बात हो रही है अब फिशरीज सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्यों ये नेशनल इनकम इंक्रीज़ करता है क्योंकि बहुत मेजर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में फिशरीज के ऊपर डिपेंडेंट है ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने का काम करता है ये देश की फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के अंदर काम करता है क्योंकि इसको एज कंपेयर टू अदर मीट सोर्सेस चीप सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन जो है कंसीडर किया जाता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है ही तो ये चार मेन एरियाज़ हैं जो आपके किस चीज़ को रेवोल्यूशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ क्रांति को यानी कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन को ये हाईलाइट करते हैं ठीक है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है लार्ज सेक्शन ऑफ लोगों के लिए स्पेशली दीज पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन फिशरीज आर इकोनॉमिकली नॉट वेल ऑफ ठीक है कोस्टल एरियाज के अंदर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है यहाँ से भी फिशरीज सेक्टर की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आ जाती है चौथे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हम फिश और फिश प्रोडक्ट्स के तो बेसिकली अभी भी काफी स्कोप है कि हम इंडियन ब्रांड को ग्लोबली एक्सपैंड कर सकें फिशरीज सेक्टर जो है इसको सनराइज सेक्टर कंसीडर किया जाता है सनराइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो अभी इमर्ज कर रहा हो ठीक है जो ग्रो कर रहा हो और जिसके अंदर पोटेंशियल होता है टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट स्पीड एंड टू ग्रो एट अकेशरीज सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल किया जाता है जो एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर्स में आता है ठीक है जो एक्वाकल्चर है आप देखोगे एनुअली दस परसेंट से ज्यादा के रेट पर ग्रो कर रहा है ओके एंड दैट इज द रीजन की फिशरीज सेक्टर को सनराइज सेक्टर कंसिडर किया जाता है डबल डिजिट ग्रोथ है टेन पॉइंट एट सेवन परसेंट से ग्रो कर रहा है दो हजार चौदह पंद्रह से लेकर के और 2021-22 का जो प्रोविजनल डाटा है उसमें फिश प्रोडक्शन जो हुई थी हमारी वो अभी तक की रिकॉर्ड फिश प्रोडक्शन हुई है 161.87 लाख वन टन तो देख रहे हो कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत डाटा वगैरह भी डाल दिया करंट पॉइंट्स जो है वो भी डाल दिए आंसर के अंदर जब आप इस तरह के पॉइंट्स डालोगे ना ये आपके एग्जाम के अंदर आपको एक एडिड एडवांटेज देंगे ये आपके नंबर इंक्रीज करवाने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ठीक है जो ये सनराइज सेक्टर की जहां पर हम बात कर रहे हैं ठीक है उसके बाद एवोल्यूशन की अगर हम बात करें फिशरीज सेक्टर की इंडिया में तो देखो फिशरीज सेक्टर कोई इंडिया के अंदर आज का सेक्टर नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन जब होती थी तब से फिशरीज़ जो है इंडिया के अंदर प्रैक्टिस की जा रही है लेकिन इंपॉर्टेंस जो फिशरीज सेक्टर की या जो रोल इकोनॉमी में फ़िशरीज सेक्टर प्ले कर सकती है उसकी जो सरकार ने वैल्यू रियलाइज़ किया ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो है वो मिली थी इंडियन फिशरीज़ एक्ट 1897 के आने से ठीक है इंडियन फिशरीज एक्ट आया 1897 में और उसके बाद बेसिकली आपका जो फिशरीज सेक्टर है इसको एक बूस्ट मिलना शुरू हुआ क्योंकि इस एक्ट के अंदर सरकार ने क्या बोल दिया इस एक्ट के अंदर सरकार ने बोला कि जो फिशरी सेक्टर है ना इसकी जो डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोविंसेस जैसे आज आपकी स्टेट्स होती हैं पहले प्रोविंसेस होती थी तो इस फिशरीज सेक्टर की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी गई प्रोविंसेस के ऊपर डाल दी गई कि वो इसकी डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के अंदर काम करें इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन फिशरी सेक्टर है उ, उसका जो डेवलपमेंट था वो इतना ज़्यादा स्पीडी नहीं था ठीक है कभी ज़्यादा अटेंशन देते दे थे दे, कभी कम लेकिन एक जो होता है ना कि फ्लो में काम चल रहा है वो नहीं था कभी कुछ इनिशिएटिव्स आ रहे हैं कभी नहीं तो वो काम बड़ा स्लो चल रहा था और वो आपको क्लियरली दिख जाता है कि आज़ादी से लेकर के 2014 तक जो केंद्र सरकार है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सिर्फ 3682 करोड़ रुपीज तीन हजार छह सौ बयासी करोड़ रुपए सिर्फ फिशरीज की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हुए केंद्र सरकार की तरफ से तो एक स्पेस आपको दिख रहा है ना कि कितना ज्यादा पोटेंशियल फिशरीज सेक्टर का क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अब दो के बाद नई सरकार आई नई सरकार से ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स आने शुरू हुए फिशरीज सेक्टर के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर इसके काम करना शुरू किया क्योंकि सरकार को यह रियलाइज हुआ कि फिशरीज सेक्टर के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो काम कर रही है और उस पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए भी अल्टीमेटली आपको फिश फार्मर्स की और फिशरीज के अंदर जो फिशर्स है उसको ग्रो उनकी डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो आपको सेक्टर की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और इसी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हुए सरकार ने एक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज बनाया फेबर दो में ताकि एक प्रॉपर अटेंशन दी जा सके फिशरी सेक्टर की डेवलपमेंट को और फर्दर सरकार ने फिर एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बना दी सरकार कहती नहीं डिपार्टमेंट भी नहीं इसकी एक अलग से मिनिस्ट्री बना दो जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड ये जून 2019 में इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज और डेरिंग वाले सेक्टर के लिए एक अलग ही मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाले ही देखा करते थे फिशरीज सेक्टर के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स भी सरकार लेकर के आई सरकार ने कहा कि यार फाइनेंशियल इंक्लूजन जो फिश फार्मर्स हैं उनको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है तो सरकार ने बोला कि देखो जी जो भी फिशिंग वेसल्स होंगे उसको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करो ठीक है उसके अलावा सरकार ने बोला कि एग्रीकल्चर का एलाइड सेक्टर है फिशरीज भी और बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ फिशरीज भी प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना है ये सिर्फ और सिर्फ खेती वाले नहीं फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री वालों को भी एक्सटेंड करनी पड़ेगी तो फिशरमैन को भी हमने जो है किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो है उसको एक्सटेंड किया ताकि वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स को वो मीट कर सकें ठीक है जी उसके बाद सरकार देखो फर्दर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है ब्लू रेवोल्यूशन से फार्मर्स की इनकम को एनहेंस करेंगे देखो इनकम इंक्रीज़ करेगी उससे आपकी नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ करेगी लोगों का स्टेटस इंक्रीज़ करेगा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ठीक है क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी वेस्ट जो है वो रिडक्शन होगा अब देखो सरकार ने इसके लिए हॉलिस्टिक टारगेट्स भी सेट किए हैं सरकार कहती है कि हमें फिश प्रोडक्शन को 22 मिलियन मेट्रिक टन पे लेकर के जाना है 2024 25 तक ये नेशनल टारगेट है तो डेफिनेटली इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा अभी देश के अंदर अराउंड 2.80 करोड़ फिश एंड फिश फार्मर्स हैं ठीक है तो अल्टीमेटली डेफिनेटली इनको बेनिफिट वहां पर मिलना शुरू होगा ओके okay, एंड उसके बाद सरकार देखो कह रही है कि 2015 से लेकर के 2025 तक हम अराउंड थ्री थर्टी थाउजेंड फाइव सेवेंटी टू करोड़ रुपीस जो है वो फिशरीज के अंदर खर्चेंगे आप देख रहे हो कि इंडिपेंडेंस से लेकर के दो तक कितने खर्च हुए थे तीन करोड़ तीन दो सौ बयासी करोड़ और अब ये क्या कह रहे हैं कि आने वाले दस साल के अंदर सरकार ने तीस हजार पांच सौ बहत्तर करोड़ का टारगेट रखा है तो आप देख रहे हो उसके अलावा ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम्स हैं सरकार ने एक फ़िशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है अगेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सरकार मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स को डेवलप कर रही है फिश लैंडिंग सेंटर्स को डेवलप कर रही है ताकि वेस्टेज को कम किया जा सके और क्वालिटी को मेनटेन रखा जा सके पाँच बड़े फिशिंग हार्बर्स ठीक है वो ऑलरेडी सेंक्शन हो चुके हैं जिनकी मेकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है उसके अलावा जो फोकस है फिशरी सेक्टर के ऊपर उसके रिजल्ट भी दिखने को देखने को मिल रहे हैं सेप्टेम्बर दो तक जो हमारे पास डाटा है फिश प्रोडक्शन 161.87 सिक्सटी टन हो चुकी है इक्कीस बाईस में जो प्रोविजनल डाटा है भी, भी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से अराउंड 31.47 वन पॉइंट लैख फार्मर्स जो 22 स्टेट्स और 7 यूटीज को बिलोंग करते हैं ठीक है उनको ऑलरेडी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा चुका है एंड 6.77 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जिनको लाइवलीहुड और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है लीन और बैन पीरियड में लीन और बैन पीरियड कब होता है जब बेसिकली आपको वाटर बॉडीज में फिश कैच इतन, इतना ज्यादा नहीं होता ठीक है बिकॉज ऑफ द वेदर और क्लाइमेट ठीक है या सरकार जब बैन लगा देती है जैसे अगर आ, कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी या कुछ है तो सरकार बैन लगा देती है तो उस टाइम पर फार्मर्स को सपोर्ट किया जाता है इंडिया एक फिश सरप्लस कंट्री बन चुका है और एक्सपोर्ट्स भी इंडिया के बढ़ रहे हैं क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो और हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ सकते हैं डाइवर्सिटी है और हमारे एक्वा प्रोडक्ट्स के अंदर क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं ठीक है ना तो इस वजह से भी एक इंडिया को एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है उसके बाद देखो जो आपका फिशरीज सेक्टर है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेगा ही सब्सिडेरी इंडस्ट्रीज के भी लिए काफी हेल्पफुल रहता है चाहे वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ही क्यों ना हो देखो फिश और एक्वा प्रोडक्ट्स जो हैं फूड के लिए काफ़ी डिमांड में रहते हैं पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर है क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर प्रेशर है हम बार बार ये बात बोलते हैं तो फिशरीज वहाँ पर एक हमें जो प्रेशर एग्रीकल्चर के ऊपर है उसको कम करने में हेल्प करेगा और बैलेंस्ड प्रोटीन इनटेक भी प्रोवाइड करेगा लोगों को अफोर्डेबल और रिच सोर्स है एनिमल प्रोटीन का तो हेल्दी ऑप्शन है हंगर और न्यूट्रियन डेफिशंसी को कम कर सकता है जो अगेन इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट भी हम इससे पूरा कर पाएंगे इसलिए भारत सरकार एक मोटो प्रमोट करती है फिश फॉर हेल्थ एंड फिश फॉर वेल्थ कि वेल्थ तो ये क्रिएट करेगा ही इकोनॉमिक रेवोल्यूशन तो लेकर के आएगा ही साथ ही साथ ये हेल्थ के अंदर भी एक रेवोल्यूशन लाने के लिए सक्षम है फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो कि इंडिया का जो फिशरी सेक्टर है वो कंटिन्यूअसली एक प्रोजेक्ट्री के ऊपर है कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है एंड वी कैन ग्रो हायर एंड हायर और ज्यादा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं जो अल्टीमेटली इंडिया की ब्लू इकॉनमी को और इंडिया की इकोनमी uh, को जो है एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड करेगा और प्रॉफिटेबल एरिया के अंदर ले आएगा ओके okay? सो दिस वॉज द ब्रीफ एंड क्विक आंसर अब इसको आप अगर किसी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो वो लिख करके टेलीग्राम पे भेजो और जितने भी अभी तक आंसर पेंडिंग है ना वो आज की डेट में जो है चेक होकर उनका रिव्यू टेलीग्राम के ऊपर आ जाएगा किसी ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा एंड कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर आपके सामने है मेल आपके सामने है एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको कोई चेंजेस आपको इसमें चाहिए तो वो बताएं अच्छा लगा तो वो बताएं एंड प्लीज़ हो सके तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये कंटेंट जो है रेगुलरली आपको मिलता रहे चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय